सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यूँ तो आप लोगों ने इतिहास में दी जाने वाली काफ़ी सारी सज़ाओं के बारे में सुना ही होगा, जिनमें कुछ सज़ा में इंसानों को उल्टा लटका के काट दिया जाता था, वरना किसी में उनको चूहों से कटवा के मारा जाता था, और इसी तरह बिजली के झटके देकर भी मारा जाता था। इतिहास में ऐसे ही कुछ क्रूर शासकों ने इन्हीं रास्तों को अपनाकर सज़ा देना काफ़ी पसंद करा। मगर दोस्तों, इतिहास में एक सज़ा ऐसी भी है जो किसी का भी दिल दहला सकती है। उस सज़ा का नाम है द ब्रज़न बुल। दरअसल इस सज़ा में इंसानों को एक पीतल से बने बुल यानी के सांड के अंदर डाल के नीचे से आग लगा के जब तक भूना जाता था, जब तक वो मर ना जाए। और दोस्तों, इस बुल को खुद ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अंदर आदमी कितना भी चिल्ला ले मगर बाहर एक मधुर सुर सुनाई देता था। चलिए अब हम जानते हैं कि ये सज़ा के बारे में लोगों को पता कब चला और ये दी कब जाती थी। तो दोस्तों, ब्रज़न बुल सज़ा के बारे में काफ़ी सारी ऐतिहासिक किताबों में भी लिखा है। इसी तरह एक किताब है डियोडोरस सिकुलस ने भी लिखा है, जहां उन्होंने ब्रज़न बुल की पूरी कहानी बताई है। दरअसल इस बुल का आइडिया दिया था 570 और 555 BC के बीच में पेरिलियस नाम के एक खोजकर्ता ने, जो उस टाइम के एक इन्वेंटर और खोजकर्ता थे। और ये ब्रज़न बुल जिस राजा के लिए बनाया गया था उसका नाम था पेरिलियस, जो कि अपने राज्य में गलती करने वालों को ऐसी सज़ा देना चाहता था जिससे हर कोई डर जाए, और इसीलिए उसने ब्रज़न बुल को डिज़ाइन करवाया। इसको इसी तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये अंदर से खोखला था और इंसानों को इसके अंदर डालने के बाद नीचे से आग लगा दी जाती थी, और फिर होता ये था कि इंसान उस खोखले बुल के अंदर भुन जाता था। जब वो इंसान चिल्लाता था तो बुल के अंदर से एक मधुर आवाज़ आती थी। इसके अलावा बुल की नाक से हल्का हल्का धुआं निकलता था, और जो अंदर से धुआं निकलता था उसमें बदबू की जगह खुशबू निकलती थी, क्योंकि इसमें परफ्यूम फिट करा गया था बुल की नाक के पास। तो दोस्तों, आपको क्या ये पता है कि इस बुल में सबसे पहले जलाया किसको गया था? खुद ब्रज़न बुल के इन्वेंटर खोजकर्ता पेरिलियस को, क्योंकि जब पेरिलियस ने इसकी खासियत राजा को बताई तो राजा ने पेरिलियस पे ही इसका ट्रायल लिया। राजा देखना चाहता था कि इसमें से मधुर संगीत सुनाई देता है भी या नहीं। वो पेरिलियस को जलाने के बाद राजा बहुत खुश हो गए और फिर आगे चल के इसी बुल्स के ज़रिए बहुत लोगों को सज़ा दी जाने लगी। और एक हैरान करने वाली बात ये थी कि जब वो राजा अपने शासनकाल से हटा तो उसको भी यही सज़ा मिली। उसको भी इसी बुल के अंदर भून के मार दिया गया था। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल टॉप 10 डेली हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को